आज की वार्ता में हम एक सूत्र के साथ चर्चा करेंगे। साधु जी, एक बात आप अपनी जिंदगी में याद रखना, जहां भी रहना भगवान कृष्ण के संग रहना। भगवान आपको किसी भी परिस्थिति में रखे, चाहे जिस देश में रहना, चाहे जिस भेष में रहना, चाहे जिस परिवार में रहना। याद रखना, कई लोग हमसे कहते हैं, महाराज जी हमारे यहाँ का माहौल तो बहुत गड़बड़ है, हमारे घर का माहौल ठीक नहीं, गांव का माहौल ठीक नहीं, एकदम दूसरे धर्म के लोग रहते हैं। साधु, माहौल कहीं का ठीक नहीं, आपकी सोच का माहौल ठीक नहीं है। दरअसल दो पात्र रामचरितमानस के हम आपको ऐसे बताएंगे कि आपकी दिमाग की आंखें खुल जाएंगी। रामायण में एक पात्र विभीषण का, और रामचरितमानस में रामायण में दूसरा पात्र मंथरा का। दोनों पात्र बहुत अद्भुत शिक्षा देते हैं। राम के राज्य में रहकर के मंथरा सुधरी नहीं है, और रावण के राज्य में रहकर के विभीषण बिगड़ा नहीं है। तो माहौल और परिस्थिति महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण आपकी थिंकिंग, आपकी सोच है। मेरे पागलो, तुम जहां भी रहना अपनी बुलंद आवाज और सनातन की एकता की आवाज कभी मरने मत देना। अपना प्रभु से प्रेम घटने मत देना। कई बार हम जब आचार्यों को देखते हैं ट्रेन में, बड़ी खुशी होती है। कई आचार्य ऐसे होते हैं जो सनातन का नाम रोशन, रेलगाड़ी में जा रहे हैं पर नित्य नेम नहीं छोड़ते, संध्या करते हैं, रेलगाड़ी की सीट पर बैठे बैठे संध्या करते हैं। एक बटुक का तो देख करके बड़ी गदगदता हुई। एयरपोर्ट पर संध्या का समय हो गया, उसने आसन लगाया, ठाकुर जी का भजन करना प्रारंभ कर दिया। लोग देख रहे, क्या तमाशा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। जिंदगी में ऐसे ही जीना चाहिए कि लोग देखते रह जाए तो मैं कोई फर्क ना पड़े। यहाँ जितने भी नव युवक बैठे हैं, युवान भाई बहनों से हम निवेदन करेंगे, मेरे पागलो, तुम तिलक लगाते हो तुम्हें लगता है कि लोग क्या कहेंगे, बड़ा पुजारी बना, बड़ा भक्त बना, माला पहनते हो तो तुम्हें लगता है कि लोग क्या कहेंगे, बड़ा भगवान का आडंबर कर रहा है। कई लोग तो हमको मिलते हैं, कहते हैं महाराज हम अंदर से तो भगवान के भक्त हैं, बाहर से लोग थोड़ा उल्टा सीधा। ठटरी के बरे, तू बाहर के लिए जी रहा कि अपने लिए जी रहा? वो तो कुछ बोलेंगे, ना भी करो तो बोलेंगे। ये खेत के बिजू के हैं, ना खाएंगे ना खाने देंगे, ये बोलते रहेंगे, खुद तो लगाएंगे नहीं, तुम्हें भी नहीं लगाने देंगे। और उन्हें खबर भी है कि अगर ये आदमी सुधर जाएगा तो उनका साथ कौन देगा। इसलिए मेरे पागलो, जितने भी युवान बैठे, कई लोग हमारे महाराज जी बागेश्वर धाम या ऐसा नाम लो ना तो सब कहते कहां पाखंड के चक्कर में पड़े दुनिया। लोगों का काम है कहने दो, तुम सेम टू यू बोलना सीख जाओ ना। तो मस्तक पर तिलक किसी के कहने पर रोक देते हो, लोग क्या कहेंगे, तुम इस बात पर भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। लोग क्या सोचेंगे, तुम इस बात पर संतों को, गुरु को, माता पिता को दंडवत प्रणाम नहीं करते। ये तुम्हारी धूर्तता है। लोगों का काम कहना है, जिंदगी तुम्हें जीना है, लोगों को नहीं जीना। तुम उसी में जीना जिसमें तुम्हें आनंद आवे, मेरे पागल। और अध्यात्म से ज्यादा आनंद किसी भी स्थिति में नहीं है। जो अध्यात्म में रस है, जो अध्यात्म में आनंद है, वो किसी में नहीं है। इसलिए मेरे पागलो, लोगों का काम कहना है, ये तब तक लोग कहेंगे जब तक मरघट नहीं पहुंच गए। मरघट जाने के बाद कोई किसी का नाम नहीं लेता। ये संसार ऐसा है, 13 दिन तक याद करते हैं लोग, फिर कोई याद नहीं करता। अब ज्यादा से ज्यादा अब तो एक नया प्रचलन होगा पुण्यतिथि का, तो पुण्यतिथि पर एक पोस्ट डाल देंगे, आई मिस यू, बस। और वो भी भारत में बचा है, अन्य देशों में तो एक कैंडल जलाया, RIP लिखा, बस नाता खत्म है। तब तक वो गया, दूसरे को एंट्री। हम आपको कहना चाहते मेरे पागलों,
ये दुनिया कुछ भी बोलेगी, दुनिया तो कहती रहेगी, तुम दुनिया के कहने में, दुनिया के बहकावे में मत जियो, उठो जागो, तुम ऐसा जिंदगी जियो कि दुनिया देखती रह जावे। ऐसा जीवन, ऐसा ढंग से जियो कि लोग तुम्हारा आदर्श माने। याद रखना, सफलता की कुंजी चमत्कारों से नहीं मिलेगी। सफलता की कुंजी पाना चाहते हो तो तुम्हें खुद चमत्कार करने पड़ेंगे। लोग तो कहते रहेंगे, लोगों का काम है, वो बोलते रहेंगे, उनको बोलने दो, उनको धन्यवाद दो। कल हमने तुम्हें क्षमा करना सिखाया था।